की वजह से होगी बारिश। जाने अपने राज्य के मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर के अनुसार 14 नवंबर के आसपास बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने और 16 नवंबर के आसपास मध्य और निकटवर्ती दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दबाव में तब्दील होने के आसार हैं। इट विल रेन बिकॉज ऑफ नो द वेदर कंडीशन ऑफ योर स्टेट अकॉर्डिंग टू स्काईमेट वेदर। A low pressure area is likely to form over the southeastern Bay of Bengal around November 14. It will move in west-northwest direction and move into central and nearby areas around November 16. There are chances of returning into a depression over South Bay of Bengal. देश के कई राज्यों में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। इस बीच दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती और परिसंचरण कुमुन दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। इससे बंगाल के तटीय जिलों में 16 से 18 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है। कोल्ड इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। मीनवाइल द मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज एक्सप्रेस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओवर द सदर्न अंडमान सी टर्निंग इनटू अ लो प्रेशर एरिया। ड्यू टू दिस देयर मे बी रेन इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल बिटवीन 16 एंड द 18th ऑफ नवंबर। इस चक्रवातीय परिसंचरण के कारण गुरुवार को मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के क्षेत्रीय निदेशक GK दास ने इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वजह से 16 से 18 नवंबर तक पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। ड्यू टू द साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर कंडीशंस में राइज इन द सेंट्रल बे ऑफ बंगाल ऑन थर्सडे। Regional Director of India Meteorological Department IMD, GK Das gave information in this regard. He told that due to this, light to moderate rain may be seen in the coastal areas of West Bengal from 16 to the 18th of November. IMD ke Kshetriya Nideshak GK Das ne kaha ki hum is tantra ki disha aur uski tivrata par nazar rakh rahe hain. IMD ki or se ek bayan jari kiya gaya hai, jisme kaha gaya hai ki dakshini Andaman Sagar mein utha चक्रवातीय परिसंचरण क्षेत्र मजबूत होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो सकता है। IMD रीजनल डायरेक्टर GK दास सेड दैट वी आर कीपिंग एन आई ऑन द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ दिस सिस्टम। अ स्टेटमेंट हैज बीन इशूड बाय IMD इन विच इट हैज बीन सेड दैट द साइक्लोनिक सर्कुलेशन एरिया इन द सदर्न अंडमान सी मे स्ट्रेंथन एंड मूव टुवर्ड्स वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड कन्वर्ट इनटू अ लो प्रेशर एरिया इन द सेंट्रल बे ऑफ बंगाल। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिन में आसमान साफ रहने तथा अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान व्यक्त किया है। दीपावली से लेकर महापर्व छठ तक झारखंड में कैसा द मिनिमम टेम्परेचर इन दिल्ली ऑन मंडे वॉज रिकॉर्डेड एट 11.8 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल। द मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज प्रिडिक्टेड दैट द स्काई विल बी क्लियर ड्यूरिंग द डे एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस। हाउ विल द वेदर बी इन झारखंड फ्रॉम दिवाली टू द ग्रेट फेस्टिवल छठ। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में 18 नवंबर तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि इस दौरान सुबह में कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है। दिवाली के दूसरे दिन रांची में धुंध देखने को मिली, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। झारखंड की राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में 16 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है। इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। 17 व 18 नवंबर को सामान्यतः बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। There is a possibility of cloudy sky in entire Jharkhand including the capital Ranchi till November 18th, while during this period there is a possibility of fog or mist in the morning. On the second day of Diwali, smog was seen in Ranchi due to which normal life was affected. There is a possibility of fog or mist in the morning in Jharkhand's capital Ranchi and its surrounding areas till November 16th. After this, there is a possibility of partly cloudy sky. On November 17th and 18th, the weather will be generally cloudy and dry. मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी सहित अन्य हिस्सों में 18 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने वाला है। तापमान में लेकिन अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ेगी।
मंगलवार तक न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने बताया कि अगले 2-3 दिन में 2-3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी मौसम में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द वेदर इज गोइंग टू रिमेन ड्राई इन अदर पार्ट्स इंक्लूडिंग ईस्टर्न अप एंड वेस्टर्न अप टिल नवंबर 18th। बट नाउ द टेम्परेचर विल ग्रेजुअली इंक्रीज। द मिनिमम टेम्परेचर मे ड्रॉप बाई ट्यूजडे। सोनल मेटेरोलॉजिकल सेंटर लखनऊ सेड दैट अ ड्रॉप ऑफ 2-3